हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सलवार की ड्राफ्टिंग दिखा रही हूँ। सलवार की ड्राफ्टिंग कैसे होती है वो समझाऊंगी कि कैसे हम ड्राफ्टिंग करके सलवार की कटिंग कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे कि सबसे पहले हमने डबल कपड़ा रखना है। डबल कपड़ा रखकर, जैसे मान लीजिए जी हमारे पास डबल कपड़ा है, सबसे पहले तो हमने यहाँ से मुरी निकालनी होती है। जो सलवार के हम मूरी डाल दिया, जिसको पट भी बोलते हैं सलवार के, सबसे पहले हमने यहाँ से बोन निकालनी होती है। जैसे जी हमारे पास डबल कपड़ा रखा हुआ है, मान लीजिए ये हमने यहाँ से पट लेनी है। पहले जैसे आप 14 इंच रख सकते हो, यहाँ से 13 इंच जितना आपने पोंचा रखना है उसी के हिसाब से आप रख सकते हो। बाकी का पोंचा हम कुंदी जो होती है, इसकी कुंदी की कटिंग होती है उसमें भी लेते हैं। ये देखिए, यहाँ से ऐसे हमने मान लीजिए यहाँ से 12 इंच रखा है, 12 का हाफ हमने 6 इंच यहाँ से रखा है और 6 इंच ही हमने इधर से ले लिया है। इसका 6 इंच ही इधर से ले लिया है। अभी हमने यहाँ पर एक सीधी लाइन लगा लेनी है। देखिए इस तरह से हमने यहाँ से सीधी लाइन लगा देनी है। जैसे ये हम जो पट होते हैं उसकी हमने ये उसके लिए कपड़ा रखा है। अभी हमने इसकी लेंथ रखनी है। जैसे कि अपने लेंथ में से 6 इंच बेल्ट का निकाल लेना है, उसके बाद आपने इसकी लेंथ लेनी है, 1 इंच एक्स्ट्रा लेंथ लेनी है। जितनी भी आपके बेल्ट निकालने के बाद बाकी का बचा है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा ही लेंगे, क्योंकि ऊपर नीचे की सिलाई में जाएगा बाकी का। जैसे मान लीजिए ये हमने 34 लिया है, यहाँ से 34 इंच ले लिया हमने। ये देखिए अभी 34 ही इधर और इधर 34 ही होना चाहिए हमारा। ये कपड़ा एक्स्ट्रा हमारा बच गया है। अभी हमने 6 इंच, ये 6 इंच है हमारा, तो 6 इंच लेने के बाद इसकी जो 34 हमने 34 इंच इसकी लेंथ ली है। अभी इसके कुंदी की कटिंग करेंगे हम। कुंदी की कटिंग के लिए सबसे पहले हमने यहाँ से आसन लेना है। जैसे आसन हमने जहाँ से 9 इंच लिया है और वैसे ही इसका आसन का 6 इंच बेल्ट का भी ऐड हो जाएगा, तो टोटल 15 इंच हो गया ये। जहाँ से सबसे पहले हमने आसन ले लेना है, मान लीजिए हमने यहाँ से आसन लेना है। अभी ये कपड़ा भी हमने ऐसे एक्स्ट्रा ही निकाल लिया है, जो लेंथ लेने के बाद का कपड़ा है ये कपड़ा वो है हमारा। 34 ही हमने यहाँ से लेंथ लेनी है और एक और से आसन लेना है हमने। ये यहाँ से मान लीजिए हमने 9 इंच पर आसन का निशान रखा है और 9 इंच पर ही इधर भी आपने आसन का ही निशान रखना है। आपने यहाँ से पहुँचा पहले टोटल देख लें कितना तैयार करना है। 6 इंच हमने यहाँ से लिए है, अभी 1 इंच का निशान मैं इधर लगा कर आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए 1 इंच के निशान पर हमने इधर भी पहुँचा रखा है और 1 इंच ही हमने इधर पहुँचा रखा है। ये देखिए इधर भी आसन लेना है और इस साइड भी। और ये सलवार की लेंथ है जो हमने 34 इसकी ली थी, 34 ही यहाँ से लेंगे। दोनों सेम होनी चाहिए, ये अलग अलग नहीं लेनी है। अगर हम इसको अलग अलग लेंगे तो जो हमारी सिलाई है वो ऊपर नीचे आ जाएगी, क्योंकि इनको हमने एक साथ दोनों को जोड़ना होता है। ये देखिए ये हमारी दोनों कुंदी बन गई। ये डबल डबल है
टू बुंदी की कटिंग ये है और टू ये है, टोटल फोर होगी और टू ये है पट जो हमने दोनों कुंदी के जहाँ से इसकी सिलाई करते हैं हम साइड से इनको साइड पर सिलाई करती हैं, फिर दे वाली कुंदी को इधर हमने अटैच करना होता है। अब देखिए हमारे पास जो बाकी का कपड़ा बच गया है इसमें से हम अपनी बेल्ट निकाल लेते हैं, जो कपड़ा एक्स्ट्रा होता है उसके बीच में से हम अपनी बेल्ट निकालते हैं। पहले तो हम अपनी सलवार की कटिंग अच्छे से करती हैं और जो एक्स्ट्रा कपड़ा बच जाता है उसकी हम बेल्ट डाल लेते हैं। जैसे कि इसकी हमने बेल्ट डालनी है 24, तो उसके लिए हम 25 ले लेंगे क्योंकि थोड़ा सिलाई में भी जाएगा कपड़ा 25। इन दोनों कपड़ों को अगर जोड़कर आपकी बेल्ट बन रही है तो जोड़ सकते हो, अगर बिना जोड़े भी ये इस कपड़े को आप डबल करोगे अगर 25 बन जाता है तो इस तरह से भी आप बेल्ट की कटिंग कर लेना इसमें से और पोंचो का कपड़ा निकाल लेना। तो ये देखिए ये 9 इंच का हमने आसन लिया है, इधर से भी 9 इंच और ये भी 34 इंच, 34 यहाँ से लिया है और 34 इंच जहाँ से लिया है। ये देखिए इस तरह से हम जो सलवार की है ड्राफ्टिंग होती है उसकी कटिंग करते हैं। इस तरह से आप किसी भी साइज़ की जो सलवार है उसकी कटिंग कर सकते हो।